दोस्तों आज की मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कस्टम यूआरएल को कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको दिख रहा होगा यूट्यूब स्टूडियो बीटा, तो सिंपली दोस्तों आपको यूट्यूब स्टूडियो बीटा पर क्लिक करना है। यूट्यूब स्टूडियो बीटा पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों देखिए आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल का डैशबोर्ड खुल चुका है, यूट्यूब स्टूडियो डैशबोर्ड खुल चुका है। यूट्यूब स्टूडियो डैशबोर्ड खुलने के बाद में दोस्तों आपको दिख रहा होगा क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक, तो सिंपली दोस्तों आपको क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक पर क्लिक करना है। क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे अभिनय पे क्लिक करना है। अभिनय पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने ये क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक में हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने एक क्लासिक में हो चुका है। क्लासिक में होने के बाद दोस्तों आपको एक और चैनल, तो सिंपली दोस्तों आपको चैनल पर क्लिक करना है। चैनल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कई सारे ऑप्शन हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा इनेबल कस्टम यूआरएल इनेबल, तो दोस्तों सिंपली आपको इनेबल पर क्लिक करना है। इनेबल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है हेयर का, तो दोस्तों आपको हेयर पर क्लिक करना है। हेयर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आपका ये वाला यूआरएल बनेगा। दोस्तों अगर आपको यूआरएल को सर्च करेंगे या किसी को व्हाट्सअप पे भेजेंगे लिखकर तो वो यूआरएल बन जाएगा। दोस्तों इसको मैं आपको गूगल में सर्च करके दिखाऊंगा कि मेरा चैनल ये वाला यूआरएल से खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। तो दोस्तों मैं इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ खाली स्थान दिख रहा होगा, दोस्तों यहाँ पर टिक मार कर देना है। टिक मार करने के बाद दोस्तों आपको दिख रहा होगा चैनल यूआरएल, तो सिंपली दोस्तों आपको चैनल यूआरएल क्लिक करना है। उसके बाद में आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए आपके सामने ये बन के रेडी हो जाएगा यूआरएल। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा गूगल में खुल रहा है नहीं खुल रहा है। तो सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पे न्यू टैब खोल लेता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे न्यू टैब खोल लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने न्यू टैब खोल लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जो हमने लिंक को कॉपी किया था। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये लोडिंग हो रहा है, लोडिंग होने के बाद दोस्तों सिंपली देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे मेरा चैनल ओपन हो चुका है। तो दोस्तों कैसी लगी आपकी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।